हुजूर कहीं के। आज चांद रात है हुजूर, सारी रात इबादत करेंगे। बेशक। रुके भाई, साथ वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, आए चलते। अबे भाई चोर कहीं के मेरी रोटियां चुराता है। रुको भाई, हाथ क्यों उठा रहे हो, क्या बात है? ये नशाई मेरे तंदूर से रोटियां चोरी करके भागा है। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान में चोरी? देखो भाई, मारने से मसला हल नहीं होगा, बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने पैसे हैं? 120 रुपए हैं। मेरे साहब इनको 120 रुपए दे दें। साथ वाली मस्जिद में बयान सुनने जरूर आना। अच्छा जी। रुको बरखुदार, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे साथ चलो। कहाँ? नशे और गुनाहों की दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ तुम्हें एक और दुनिया में ले चलें। यहाँ रुके, मैं कुछ लाता हूँ। ये इसका घर है? जी जी, इन्हीं का है। बरखुदार, अंदर जाकर ये लिबास चेंज कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कब तक चोरी चकारी और नशे करूंगा, आज मौका मिला है एक अच्छा इंसान बनने का। मुझे इन लोगों के साथ रह के इज्जत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अरे भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अजीब लग रहा है, साफ सुथरा रहने की आदत नहीं है ना। आओ अब चलें तबलीग पे। तबलीग? चलें तो सही, मजा आएगा। चलें भाई साहब। रुके भाई रुके, सुभान अल्लाह, आ जाएं चलें। अबे आज चांद रात है, शाम को बाजार चलेंगे, रंगीनियां ही रंगीनियां होंगी। अस्तगफिरुल्लाह, कब तक यूं जिंदगी गुनाहों की गुजारोगे? अरे भाई अल्लाह के रास्ते पे आओ। देखो इस भाई को, पहले ये चोर था लेकिन अब ये दीन की खिदमत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये नशा भी करता था, अब ये तबलीग में है। बताओ ना भाई इनको, बताओ। चोर और नशाई बताना जरूरी था क्या? जी जी, मेरी जिंदगी बदल गई है, पास वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, मगरिब के बाद जरूर आए। ठीक है, शाबाश, जरूर आना भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो भाई, ये पहले बात करना चाहता हूँ। जी जी। अमीर साहब कोशिश किया करें पहले वाली जिंदगी के मामला ना दोहराया करें, सिर्फ दीन और तबलीग पे बात किया करें। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीन की खिदमत में हाजिर हुए हैं, मुझे पता है आज चांद रात है, आपके पास काम का बहुत रश होगा, काम के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी किया करें। बेशक अल्लाह की इबादत में बहुत सुकून है, ये काम कारोबार ये दुनिया की रंगीनियां ये सब यहीं रह जाएगा, पास वाली मस्जिद में हमारी जमात ठहरी है, जरूर मगरिब के बाद आके आप लोग बयान सुन लें। आपको मैंने कहीं देखा है? जी जी, इसके ऊपर अल्लाह का बहुत करम हुआ है, अब ये तबलीग कर रहा है, पहले ये चोरियां और नशा करता था। अमीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहले वाली जिंदगी पे अल्लाह पाक ने बेहतर पर्दा रखा हुआ था, जब से आपके साथ शामिल हुआ हूँ ना, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया है कि मैं चोर और नशाई था। आप तबलीग करें, अल्लाह बेहतर करेगा। दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि अगर किसी की इस्लाह करें तो अकेले में करें, और अगर किसी की तारीफ करें तो सबके सामने करें।